अरे पिछले लेक्चर में हमने लाइकेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि लाइकेंस, जिनको कि हम हिंदी में शैवाक भी कहते हैं, ड्यूअल नेचर के होते हैं, यानी कि इनके अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक। उन्हीं दोनों से मिलकर के वर्ड बना है शैवाक। तो हमारे लास्ट के लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि लाइकेंस एल्गी और शैवाल के मिलकर के बने होते हैं और ये हर तरह के वातावरण में पाए जाते हैं। आज हम इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि लाइकेंस को किस डिवीजन के अंदर रखा गया है और इनका किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। कि लाइकेंस के क्लासिफिकेशन का कोई प्राकृतिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो इसका कोई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया। 1950 में बेसी ने इसको एस्कोमाइसिटिस क्या है, एस्कोमाइसिटिस फंजाई की एक क्लास है जिसके अंदर की एक ऑर्डर है लेकानोरेल्स, उन्होंने इन लाइकेंस को लेकानोरेल्स ऑर्डर के अंदर रखा। उसके बाद बोल्ट ने 1959 के अंदर इसको एक नया नाम दिया, माइकोफाइकोफाइटा। माइको मीन्स फंजाई, फाइको मीन्स एल्गी, फाइटा मीन्स प्लांट। तो यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर की दो तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, फंजाई भी पाई जाती है और एल्गी भी पाई जाती है। उसके बाद ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इन्होंने कहा कि लाइकेंस के क्लासिफिकेशन में एल्गी या शैवालों का कोई मुख्य भूमिका नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लाइकनोलॉजिस्ट आए, उन्होंने क्लासिफिकेशन के अलग अलग आधार बताए। उसके आधार पर लाइकेंस को मुख्यतः चार भागों के अंदर, चार आधार के आधार विभाजित किया गया है। उनके आवास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ फंगल पार्टनर, यानी कि उनके अंदर जो भी फंजाई प्रेजेंट है, जो भी कवक उपस्थित है, उनकी जो क्लास है उसके आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, यानी कि उसके अंदर किस तरह का सुकाय पाया जाता है उसके आधार पर। और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी एंड फंगल पार्टनर, यानी कि उस लाइकेन के अंदर एल्गी और फंजाई किस तरह से व्यवस्थित है, किस तरह से वितरित है, उसके आधार पर भी लाइकेंस को क्लासिफाई किया गया है। तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन का एक चार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस, जिसको कि चार भागों में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन हैबिटेट, बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ फंगल पार्टनर, बेस्ड ऑन द थैलस स्ट्रक्चर, और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी एंड फंगल कंपोनेंट इन द थैलस। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन हैबिटेट, आवास के आधार पर, आवास के आधार पर लाइकेंस को चार भागों में बांटा गया है, सेक्सिकॉलस, कॉर्टिकॉलस, टेरिकॉलस और एग्निकॉलस। फंगल पार्टनर के आधार पर दो भागों में बांटा है, एस्कोलाइकेंस और बेसिडियोलाइकेंस। थैलस के स्ट्रक्चर के आधार पर लाइकेंस चार तरह के बताए गए हैं, लेप्रोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। और यदि एल्गी और फंजाई के वितरण के आधार पर देखें तो ये दो तरह के होते हैं लाइकेंस, होमो आइसोमेरस थैलस वाले और हिट्रो आइसोमेरस थैलस वाले। तो अब हम इनको वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बेस्ड ऑन हैबिटेट, आवास के आधार पर लाइकेंस चार तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है सेक्सिकॉलस। सेक्सिकॉलस का मतलब है जो कि स्टोन्स या रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी कि पत्थरों के ऊपर या चट्टानों के ऊपर ग्रो करते हैं जो लाइकेंस, उनको हम सेक्सिकॉलस लाइकेंस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है डर्मेटोकार्पन, जेंथोरिया, वेरुकेरिया एट्सेट्रा। कॉर्टिकॉलस यानी कि वो लाइकेंस जो कि पेड़ों की छाल के ऊपर, पेड़ों की बार्क के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे कि ग्राफिस है, असनिया है, पारमेलिया है, ये दो सब जो हैं वो कॉर्टिकॉलस लाइकेन कहलाते हैं। जो लाइकेंस मिट्टी के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं टेरिकॉलस। टेरिकॉलस ग्रो ऑन सॉइल, एग्जाम्पल है क्लेडोनिया, लेसिडिया, कोलेमा। फिर आता है जो कि डायरेक्ट ऑन वुड, दैट हैज़ द बार्क स्ट्रिप फ्रॉम इट, यानी कि पेड़ों की छाल के ऊपर नहीं है वो, डायरेक्ट पेड़ की लकड़ी के ऊपर, यानी कि जो हम कहते हैं जाइलम का पार्ट होता है उसके ऊपर जो पाए जाते हैं, या लकड़ी ऐसी जो कि पेड़ से टूट चुकी है, पेड़ मतलब उसके अंदर पेड़ से अलग हो गई है लकड़ी, उसके ऊपर अगर कोई
लाइकन ग्रो करता है तो उसको हम कहते हैं लिग्निकोलस। एग्जाम्पल इसका है कैलिसिकम। ये एक एक करके आप फोटोग्राफ देख सकते हो। सेक्सिकोलस यानी कि जो पत्थरों के ऊपर है, ये वाइट कलर का जो है वो सारे लाइकन्स है, वाइट कलर के, ग्रीन कलर के, ये पत्थरों के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। सेकेंड कॉर्टिकोलस, ये आप देख सकते हो, ये बार्क है, ये पेड़ का एक टहनी है, पेड़ की एक ब्रांच है जिसके ऊपर की ये लाइकन आपको ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेरिकोलस, ये मिट्टी के ऊपर आप देखो ब्लैक ब्लैक कलर के जो स्पॉट दिखाई दे रही है सर, ये वाइट कलर के जो स्पॉट हैं ये भी लाइकन है, ये मिट्टी के ऊपर ग्रो करने वाले हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं टेरिकोलस। लास्ट हमने कहा लिग्निकोलस, ये आप देख सकते हो लकड़ी जो इसके ऊपर की छाल नहीं है, ये डायरेक्ट लकड़ी के ऊपर हैं, डेड है ये लकड़ी, इसके ऊपर ये जो येल्लो और वाइट कलर के लाइकन्स ग्रो कर रहे हैं इसको हम कहते हैं लिग्निकोलस लाइकन्स। सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ फंगल पार्टनर, यानी कि उसके अंदर जो फंजाई उपस्थित है उसकी जो क्लास है उसके आधार पर लाइकन्स कैसे होते हैं। उसके आधार पर लाइकन्स दो तरह के होते हैं, एस्कोलाइकन्स और बेसिडियोलाइकन्स। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि लाइकन्स के अंदर दो तरह की फंजाई होती है, एक तो एस्कोमाइसिटिस क्लास की और दूसरी बेसिडियोमाइसिटिस क्लास की। तो यदि एस्कोमाइसिटिस क्लास की फंजाई उसके अंदर उपस्थित है तो उससे बनने वाले लाइकन्स क्या कहलाएंगे, एस्कोलाइकन्स कहलाएंगे, और यदि उसके अंदर बेसिडियोमाइसिटिस की फंजाई उपस्थित है तो वो लाइकन्स कहलाएंगे बेसिडियोलाइकन्स। एस्कोलाइकन्स के आगे दो तरह के होते हैं, जिम्नोकार्पी और पायरेनोकार्पी। डिस्कोलाइकन्स या पायरेनोलाइकन्स हम उसको कहते हैं। जिम्नोकार्पी यानी कि फ्रूट बॉडीज डिस्क शेप, इसके अंदर जो फलनकाय बनता है, जो लाइकन जो है बाहर से दिखाई देता है, उसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो डिस्क शेप होती है, ओपन होती है, डिस्क के आकार की होती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं डिस्क शेप या डिस्कोलाइकन्स। सेकेंड है इसके अंदर पायरेनोकार्पी या पायरेनोलाइकन्स, जिसके अंदर की फलनकाय फ्लास्क के आकार का होता है, फ्लास्क शेप होता है, तो उसको हम कहते हैं पायरेनोकार्पी। तो फंगल पार्टनर के आधार पर लाइकन्स कितनी तरह के हुए, दो तरह के, एस्कोलाइकन्स और बेसिडियोलाइकन्स। उसमें भी एस्कोलाइकन्स दो तरह के होते हैं, पायरेनोलाइकन्स और जिम्नो या डिस्कोलाइकन्स। ये आप देख सकते हो ये एस्कोलाइकन्स हैं, ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, एस्कोस एस्कस इनके अंदर पाए जाते हैं, और ये आप देख रहे हो कप शेप है, ये कप शेप फ्रूटिंग बॉडी है, फलनकाय है इसके अंदर, ये सब एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है। जैसे आपने पेजाइजा में देखा होगा कप शेप फलनकाय पाया जाता है, उसी तरह का ये फलनकाय इसके अंदर पाया जाता है। ये बेसिडियो कार्प हैं, वो एस्को कार्प थे, ये बेसिडियो कार्प हैं सारे के सारे, जिनको ये आप देख रहे हो मशरूम जैसा दिखाई दे रहा है, ये भी आपने ब्राउन कलर का फंजाई इस तरह की भी देखी होगी आपने, जब हम फॉरेस्ट के अंदर घूमते हैं तो पेड़ों के ऊपर ब्राउन कलर की कई बार दिखाई देती है, तो उन्हीं से जो लाइकन्स बन रहे हैं ये सब लाइकन्स क्या कहलाते हैं, बेसिडियो लाइकन्स। थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी एंड फंगल पार्टनर, कि उस लाइकन के अंदर एल्गी और फंजाई किस तरह से व्यवस्थित है, किस तरह से वितरित है, उसके आधार पर लाइकन्स दो तरह के होते हैं, होमोमेरस एंड हेटरोमेरस। होमो जैसा कि नाम से क्लियर है सम, यानी कि एल्गी और फंजाई दोनों का वितरण यूनिफॉर्म होता है, तो इसके अंदर लेयर्स नहीं होती हैं, एल्गी और फंजाई बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं होमोमेरस लाइकन्स। और दूसरे आते हैं हेटरोमेरस लाइकन, जिसके अंदर की एल्गी और फंजाई का जो वितरण है वो अलग अलग लेयर्स के रूप में होता है, जैसे कि चार मेन लेयर्स होती हैं, अपर कॉर्टेक्स, एल्गी लेयर, फिर मेडुला, फिर लोअर कॉर्टेक्स, इसमें से जो बीच का हिस्सा एल्गी लेयर है उसमें एल्गी होती है, बाकी तीनों हिस्सों में ये फंजाई पाई जाती है, तो इस तरह के वितरण को हम कहते हैं हेटरोमेरस लाइकन्स। ये आप फोटोग्राफ देख सकते हो, ये होमोमेरस है, इसके अंदर एल्गी और फंजाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ये गोल गोल जो कोशिकाएं हैं ये एल्गी की हैं, और ये जो लंबे लंबे फिलामेंट्स हैं ये फंजाई के हाइफा हैं। यदि हम यहाँ देखें ये हेटरोमेरस लाइकन है, इसके अंदर ये जो ऊपर का पार्ट है अपर कॉर्टेक्स, ये सारा फंजाई का बना हुआ है, फिर ये जो गोल कोशिकाएं हैं ये लाइकन ये जो हैं वो एल्गी की बनी हुई हैं, और ये हिस्सा मेडुला ये भी फंजाई के हाइफा का है, यहाँ पर हाइफा जो है वो लूजली अरेंज्ड है, जबकि लोअर कॉर्टेक्स ये भी फंजाई का ही बना हुआ है, यहाँ पर फंजाई के हाइफा काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं। तो यहाँ पर एल्गी और फंजाई लेयर्स के अंदर उपस्थित हैं, यहाँ पर ये इक्वली अरेंज्ड हैं, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसको हम कहते हैं होमोमेरस लाइकन्स और इनको हम कहते हैं हेटरोमेरस लाइकन्स। लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। थैलस के
स्ट्रक्चर के आधार पर लाइकेन्स को 5 भागों में बांटा गया है, लेप्रोस, क्रस्टोस, फॉलियोस, फ्रूटिकोस एंड फिलामेंटस। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला लेप्रोस लाइकेन, आप देख सकते हो ये सबसे सिंपल प्रकार का लाइकेन है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा लाइकेन है। ये सबसे सिंपल लाइकेन है। इन दिस लाइकेन द फंगल हाइफा एनवेलप आइदर वन और ओनली अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एल्गल सेल। यानी कि इस तरह के लाइकेन के अंदर जो एल्गी की कोशिकाएं हैं वो बहुत कम होती हैं, और जितनी भी होती हैं वो अपने चारों तरफ फंजाई के हाइफा से कवर्ड रहती हैं। डिस्टिंक्ट फंगल लेयर डज नॉट सराउंड द एल्गल सेल ऑल ओवर। यानी कि जो एल्गी है वो अपने चारों तरफ पूरी तरह से पैक नहीं होती है, वो थोड़ी थोड़ी खुली हुई दिखाई देती है। तो सो फॉर्म सिंपल लाइकेनथैलस डेवलप सुपरफिशियली ओवर द सबस्ट्रेटम। तो ये ऊपर ऊपर से होते हैं और एक तरह से पाउडर जैसी अपीयरेंस देते हैं। इनको बहुत इजीली हम लेप्रोस लाइकेन को, ये पपड़ी जैसे से होते हैं, पाउडर जैसे होते हैं, और इनको हम बहुत इजीली आधार से अलग कर सकते हैं। एग्जांपल है रेप्रेरिया इनकेन। सेकंड है क्रस्टोस लाइकेन। ये लाइकेन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये लाइकेन का हिस्सा है। ये क्रस्ट जैसा, पपड़ी जैसा अपीयरेंस देते हैं, इसीलिए इनको हम क्रस्टोस लाइकेन कहते हैं। और ये बहुत क्लोजली इस आधार के साथ चिपके हुए दिखाई देते हैं। ये थैलस पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम फ्रॉम द सबस्ट्रेट। इनको आधार से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ होली और पार्शियली एम्बेडेड इन द सबस्ट्रेटम। ये आधार के अंदर पूरी तरह से या कुछ हिस्सा इनका जो है वो धरातल पे या सबस्ट्रेटम के अंदर एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ रहता है। और जो फ्रूटिंग बॉडी से जो फलन काएँ हैं वो उस आधार के ऊपर, ये देखो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ऊपरी सतह के ऊपर दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल आप ग्राफिस, लेसीडिया, वेरुकेरिया, ये सब क्रस्टोस लाइकेन कहलाते हैं। तीसरा आता है फोलियोस लाइकेन, यानी कि फोलियोस मतलब पत्ती जैसे। ये आप देख लो पत्ती जैसे हैं, तो इनको हम कहते हैं फोलियोस लाइकेन। इसमें लाइकेन जो है वो फ्लैट होते हैं, पत्ती जैसे होते हैं, शाखित होते हैं और पाली युक्त होते हैं। ये पालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। तो जो लाइकेन है ये फोलियोस लाइकेन कहलाते हैं। ये अपने आधार से चिपके हुए रहते हैं और आधार से चिपकने के लिए इनके अंदर फंजाई के हाइफा से ही निर्मित राइजीन्स, जो कि राइजोइड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो पाए जाते हैं। इन राइजीन्स के द्वारा ये आधार के अंदर धंसे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल इसका है पामेलिया, पेल्टीडिया, फाइसिका, ये सब फोलियोस लाइकेन कहलाते हैं। फोर्थ आता है फ्रूटिकोस लाइकेन। फ्रूटिकोस लाइकेन जो हैं वो शाखित होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। अब तक जो हम लाइकेन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे लाइकेन कैसे हैं, वो फ्लैट हैं, वो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। ये जो फ्रूटिकोस लाइकेन हैं ये जनरली हैंगिंग होते हैं, ये लटकते हुए दिखाई देते हैं, जैसे पतली पतली शाखाएं जो हैं वो लटकी हुई दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पर। तो ये जो है शाखाएं सिलेंड्रिकल होती हैं, यानी कि गोल होती हैं, और ये आधार से एक डिस्क के द्वारा, इनके यहाँ पर एक डिस्क पाई जाएगी, उस डिस्क के द्वारा ये इस धरातल से अटैच रहते हैं, इसीलिए एक झाड़ी जैसी अपीयरेंस दिखाते हैं, ये झाड़ी नुमा दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल है असनिया, क्लेडोनिया और लिथेरिया। लास्ट आता है फिलामेंटस, यानी कि तंतुमय, बिल्कुल सूत्र जैसे लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं, लंबे लंबे तंतु पाए जाते हैं, उसी तरह से इसके अंदर भी तंतु लंबे लंबे पाए जाते हैं। कुछ फिलामेंटस लाइकेंस जो हैं उनमें फंजाई की जगह एल्गी का जो पार्टनर है वो ज़्यादा विकसित होता है, और एल्गी के अंदर भी ज़्यादातर फिलामेंटस एल्गी होती है, जैसे अपने यूलोथ्रिक्स वगैरह होते हैं उस तरह की एल्गी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो उस एल्गी के कारण इनकी अपीयरेंस जो है वो फिलामेंटस दिखाई देती है। एग्जाम्पल इसका रेकोडियम है, सिस्टोकॉलियस है, एफेबी है, तो ये सब फिलामेंटस लाइकेन कहलाते हैं। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस, कि लाइकेंस का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। नेक्स्ट हम लेंगे थैलस का स्ट्रक्चर, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।